नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दर्शक लाइव में। आइए बढ़ते हैं सीओर की खबरों की ओर। 21 जून को पूरे मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत नगर रहटी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय चौहान आज नगर पहुंचे और उन्होंने टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। टीकाकरण कराना है, लोगों से भी कार्तिकेय चौहान ने चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान कार्तिकेय चौहान ने लोगों को टीकाकरण कराने की शपथ दिलाई। आज नगर रहटी में 3 टीकाकरण केंद्र बनाए गए, जहां पर टीकाकरण महाअभियान के तहत लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण करवाने के लिए लोग सुबह से टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। वहीं कार्तिकेय सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम टीके अवश्य करवाएं, साथ सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क उपयोग हमेशा करें। टीकाकरण महाअभियान का शुरुआत करने आप यहां आए हैं, यहां यहां के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहां तक मैं देखा, यहां के नागरिकों में सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच है। यहाँ के नागरिक जिम्मेदार नागरिक हैं और आज पहला दिन है, लेकिन पहले दिन ही भारी मात्रा में लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उपस्थित होकर वैक्सीनेशन लगवाने का काम शुरू कर दिया है। ये इस बात का प्रतीक कि लोगों में धीरे धीरे जो वैक्सीन को लेकर भ्रम थे वो दूर होते जा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर जो विचार थे वो बदलते जा रहे हैं। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना से जो जंग 2 साल से भारत लड़ रहा है, पूरे विश्व लड़ रहा है, हम उसे जल्द ही जीतेंगे, उस पर विजय पाएंगे।